हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मैजिकल हेयर मास्क। सो फ्रेंड्स, आजकल का क्लाइमेट और पोल्यूशन इतना बुरा हो गया है कि हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे फेस के साथ साथ हमारे बालों पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। डैंड्रफ होने के कारण हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक बेस्ट हेयर मास्क जो कि एक ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा आपके बालों में। ये मास्क आपके बालों को नरिशमेंट देगा, आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। इवन अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज है तो उन्हें रिपेयर करेगा, आपके बाल बढ़ने में मदद करेगा। एक तरीके से ये होममेड हेयर ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। सो फ्रेंड, चलिए तो हम देखते हैं इस मास्क के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको दही लेना है अपने बालों के अनुसार, आपके बाल कितने बड़े और छोटे हैं उसके हिसाब से। दही एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा और आपके बालों को नरिशमेंट देगा और आपके बाल बढ़ने में मदद करेगा। उसके बाद आपको एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपके पास वाव का नहीं है तो आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं नेचुरल। एलोवेरा जेल आपके बालों को मुलायम और सॉफ्ट बनाएगा। अगर आपके बाल रूखे सूखे से हैं, ड्राई डैमेज हैं, तो उन्हें रिपेयर करेगा और एलोवेरा आपके बालों में से डैंड्रफ निकालेगा और आपके बाल बढ़ने में मदद करेगा। उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल हमारे स्कैल्प को मजबूत रखेगा, जिससे हमारे बाल नहीं झड़ेंगे। हमारे स्कैल्प अगर मजबूत होंगे तो हमें हेयर फॉल की शिकायत नहीं होगी। उसके बाद आपको बादाम का तेल लेना है। आपको प्योर बादाम का तेल लेना है, ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो ले लीजिए, क्योंकि बादाम का तेल आपके बालों का झड़ना रोकेगा, आपके बाल मजबूत बनाएगा और आपके बाल बढ़ने में बहुत मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स दही में एक एक चम्मच करके अच्छे से मिक्स करना है। दही में बहुत ही अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए इसे। आपका ये हेयर मास्क रेडी हो गया है। उसके बाद आपको इसे अपने बालों में लगा लेना है। इवन आपको अपने स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से लगाना है। ये हेयर मास्क एक नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए, जो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बेस्ट होममेड ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। मैं इसे हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, मेरे बाल इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद अपने बालों में शावर कैप लगा लीजिए। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो कोई सा भी पॉलीथीन लगा लीजिए। एटलीस्ट आपको इसको 30 मिनट्स तक रखना है अपने बालों में, फिर जाके वॉश करिए। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने बाल वॉश करके आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, बहुत ज़्यादा मुलायम हो गए हैं। सो मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। आप एक बार खुद इसे ट्राई कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा इसका रिज़ल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।